बात करेंगे 26 जनवरी से पहले बर्फीले राजपथ की परेड की। हाइट का चैलेंज है, हैवी स्नोफॉल होता है यहाँ पर, मैक्सिमम माइनस में ही टेम्परेचर रहता है। हेलो कंट्रोल फ्रॉम 0.218, कंट्रोल फ्रॉम 0.21, रिपोर्ट माय सिग्नल ओवर। हम लगातार चौकस रहते हैं। मेन मकसद ये है सर, हमारा देश का रक्षा करना। क्या आपने कभी बर्फ की तेज बारिश में परेड देखी है? इस वक्त हम एलओसी पर बीएसएफ की आखिरी पोस्ट पीर बाबा पर आपको लेकर के आए हैं। हर तरफ बर्फबारी हो रही है और यहां का तापमान माइनस में जा पहुंचा है। क्या आपने -20 डिग्री तापमान में परेड देखी है? इस वक्त भी भारतीय सेना के ये जवान जो है पेट्रोलिंग कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कैसे ये कैमोफ्लेज वर्दी में हथियारों से लैस ये जवान जो है इस वक्त पेट्रोल पर हैं। क्या आपने कभी 12,000 फीट की ऊंचाई पर परेड देखी? क्या आपने 10 फीट की बर्फ पर जवानों की परेड देखी है? हिमालय के गोद में बसता है उत्तर पूर्वी भारत का स्वर्ग तवांग। दिल्ली के राजपथ की परेड से पहले जी न्यूज पर देखिए बर्फीले राजपथ की परेड। 26 जनवरी को आतंकी खतरे के अलर्ट को देखते हुए एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल पर -5 से -20 डिग्री तापमान में भारी बर्फबारी के बीच कैसे हमारे देश के जवान सरहदों की रक्षा कर रहे हैं, ये दिखाने के लिए जी मीडिया की टीम सीमा पर पहुंची है। किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, मुझे यकीन है जब आप ये तस्वीरें देख रहे होंगे, आप कहीं भी बैठे होंगे, इतनी बर्फ, इतने मुश्किल हालात, आपको ठंड लगने लगी होगी, लेकिन फिर भी ये जवान डटे। 0.218 से मार्च हो गई है, यहाँ का ओके रिपोर्ट है। जब हम बैठे हैं घरों में तब ये डटे हैं सीमा पर, और वो भी तब जब तापमान माइनस में है। बर्फबारी रुकने का नाम नहीं ले रही और सीमा पार से आतंकी साजिश का खतरा लगातार बना हुआ है। इन सारी चुनौतियों के बीच एलओसी पर बीएसएफ के हिम योद्धाओं की परेड जारी है, और जारी है हड्डी गलाने वाली इस ठंड में हमारी रिपोर्ट। देश के सरहदी इलाकों में हालात सियाचिन जैसे बन गए हैं। चाहे भारत चीन सीमा की बात की जाए या फिर भारत पाकिस्तान की सीमा पर, हर तरफ बर्फबारी हो रही है और यहां का तापमान माइनस में जा पहुंचा है। इस वक्त हम एलओसी पर बीएसएफ की आखिरी पोस्ट पीर बाबा पर आपको लेकर के आए हैं, जहां पर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से बीएसएफ के जवान दुश्मन की साजिशों को नाकाम करने में लगे हुए हैं। पीर बाबा पोस्ट भारत और पाकिस्तान की सीमा का आखिरी पोस्ट है। यहां जमीन पर 8 से 10 फीट ऊंची बर्फ जमी है, जहां हम और आप एक कदम भी आगे बढ़े तो लड़खड़ा कर गिर सकते हैं, लेकिन इन जवानों के कदम कभी नहीं लड़खड़ाते, बल्कि इन्हें देख दुश्मनों के इरादे लड़खड़ाने लगते हैं। एलओसी के पास बने लॉन्चिंग पैड पर खुफिया एजेंसियों से मिली जानकारी के मुताबिक 300 से ज्यादा आतंकी हैं जो भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। चाहे इंटरनेशनल बॉर्डर की बात की जाए या फिर एलओसी की बात की जाए, इंडियन आर्मी और बीएसएफ के जवान आतंकियों की घुसपैठ पर लगातार नजर रखते हैं। पीर बाबा की पोस्ट भी इन आतंकियों की किसी भी घुसपैठ को रोकने के लिए हर वक्त तैयार रहती है। खुफिया रिपोर्ट से ये भी जानकारी मिली है कि बर्फबारी के दौरान आतंकियों को भारतीय सीमा में घुसपैठ कराने के लिए
पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने आतंकी संगठनों को विंटर क्लोदिंग और नेविगेशन सिस्टम दिए हुए हैं। इसीलिए पेट्रोलिंग के दौरान BSF के जवानों का ध्यान सबसे ज्यादा बर्फ में बने पैरों के निशानों पर होता है। LOC पर लगातार बर्फबारी होती है और ऐसे में BSF की पेट्रोलिंग पार्टी इन बर्फ पर पड़ने वाले ऐसे पैरों के निशान पर भी नजर रखती है, क्योंकि हो सकता है कि ऐसे जो निशान हैं वो किसी मूवमेंट की तरफ इशारा करते हों, क्योंकि इन इलाकों में लगातार चूंकि पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की जाती है, साजिश रची जाती है कि वो इन इलाकों में आतंकियों के घुसपैठ कराएं, तो ऐसे स्थिति में ऐसे जो फुटप्रिंट्स हैं इसकी बाकायदा जाँच की जाती है। बर्फ में अनजान कदमों के ये निशान आतंकियों के भी हो सकते हैं। जब भी पीर बाबा और इनसे सटे इलाकों में ऐसे कदमों के निशान मिलते हैं तो BSF के जवान तुरंत हरकत में आ जाते हैं और इस बात की छानबीन शुरू हो जाती है कि ये पैरों के निशान किसके हो सकते हैं, क्योंकि इन इलाकों में दूर दूर तक आम लोग नहीं रहते। ऐसे में इन पैरों के निशानों को बड़ी गंभीरता से लिया जाता है। ऐसा है, देखो, हो सकता है मिलिटेंट कहीं पर भी हाइड आउट के अंदर छिप सकता है, और यहाँ पर पब्लिक की बैक वगैरह डोक भी हैं, लेकिन जो मूवमेंट होता है बर्फ के अंदर, सबसे बड़ा हमारे को फायदा ये मिलता है कि फुटप्रिंट बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। कहीं पर भी कोई मूवमेंट होता है तो उसका मूवमेंट के फुटप्रिंट मिलते हैं, जिसका पीछा कर करके हम उसको पकड़ सकते हैं। दिल्ली और राजपथ की सुरक्षा के लिए जरूरी है बॉर्डर की सुरक्षा, क्योंकि पाकिस्तान की आतंकी साजिश 26 जनवरी के इर्द गिर्द रची गई है। इसीलिए LOC पर सुरक्षा भी इतनी कड़ी कर दी गई है कि आतंकी सीमा लांघ नहीं सकते। 22 तारीख को 12 बजे हमारे IG महोदय श्री राजा बाबू सिंह ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा अभी हम ही सब जितनी भी बटालियन तैनात हैं उन सबको एक कड़ा संदेश दिया है कि 26 जनवरी के संदर्भ में ध्यान में रखते हुए जो भी जितने भी गतिविधियां हैं इन पर नज़र रखा जाए, जितने भी इस तरह के जो इन्फिल्ट्रेशन के पॉइंट्स हैं उन पर कट ऑफ पॉइंट डाल दिए जाएं और उस पर तगड़ी मॉनिटरिंग की जाए, जिससे भी इस तरह की गतिविधियों को जो बढ़ावा मिल रहा है उसको हम पूरी तरह से रोकेंगे, और इसके रोकने के लिए हम पूरी तरह से मुकम्मल तैनात हैं। आप जहां दूर दूर तक सिर्फ बर्फ और BSF के जवान दिखे, वहां एक घर जैसा कुछ दिख रहा है। हमने भी जब पहली बार ये देखा तो मन में यही सवाल उठा कि ये क्या है और यहाँ जवान क्या कर रहे हैं। मुझे तुरंत ही जवाब भी मिल गया। खुफिया जानकारी के आधार पर BSF की टीम इस वक्त एम्बुश लगा करके बैठ गई है, यानी घात लगा करके ये टीम कई कई दिनों तक आतंकियों के आने का इंतजार करती है। सब कुछ बहुत ही साइलेंटली किया जाता है, ना तो किसी तरीके की आवाज़ की जाती है, ना ही इस बात की कोशिश की जाती है कि उनकी प्रेजेंस की भनक आतंकियों तक लगे। चूँकि इंतजार लंबा हो सकता है, कई कई दिन लग सकते हैं, इसलिए BSF के ये जवान अपने साथ खाने पीने की चीज़ें भी लेकर के चलते हैं। यहाँ ऐसे ही बैठकर घंटों तक, कई बार कई दिनों तक दुश्मन के आने का इंतजार होता है, और जैसे ही अपनी मौत से अनजान आतंकी इन रास्तों को पार करने की कोशिश करते हैं, कुछ देर में ही ये टीम उनका काम तमाम कर देती है। ये जवान अपने साथ खाने पीने की चीजें भी साथ में रखते हैं, क्योंकि इन्हें भी नहीं पता होता है कि यहाँ कब तक रहना है। खाने पीने में जैसे बिस्किट है, चॉकलेट है, शक्करपारा है, और भी पैक्ड आइटम जो काफ़ी समय तक ख़राब ना हो वो चीज़ें लेकर के चलते हैं, और जवानों को चलने से पहले ही बांट देते हैं। हर जवान अपना सामान साथ में कैरी करता है। BSF के IG राजा बाबू सिंह का कहना है कि उनके जवान किसी भी आतंकी साजिश को नाकाम करने के लिए हर वक्त अलर्ट हैं। हम हमेशा इस बात को बड़ा सीरियसली लेते हैं कि एनिमी अपनी इल डिज़ाइन में कभी कमज़ोर नहीं रहेगा, तो हम लगातार चौकस रहते हैं और कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह की एनिमी की इल डिज़ाइन सफल ना हो पाए। मनीष शुक्ला, जी मीडिया, पीर बाबा पोस्ट, LOC। जब आप इन बर्फीली तस्वीरों को देख रहे होंगे तो आपका मन रोमांचित हो सकता है, लेकिन जब आप सुरक्षा के लिहाज से इन तस्वीरों को देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि ये डगर कितनी मुश्किल है।
ये चुनौती कितनी बड़ी है, लेकिन फिर भी सरहद की रक्षा के लिए इन जवानों का हौसला हिमालय की तरह ऊंचा है और शून्य से नीचे तापमान में भी इनका जोश हाई है। जैसा कि हमने आपको देशभर की शुरुआत में ही कहा था, हम आपको 26 जनवरी से ठीक पहले बर्फीले राजपथ की परेड दिखा रहे हैं। अब आपको LOC पर केरन सेक्टर के आखिरी पोस्ट पर इंडियन आर्मी की तैयारी दिखाने जा रहे हैं। LOC पर कश्मीर के केरन सेक्टर की आखिरी पोस्ट है। समंदर से 10 से 12,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद इस पोस्ट पर इंडियन आर्मी के जवानों का पहरा कभी खत्म नहीं होता। इस वक्त हम नियंत्रण रेखा से सटे इलाके में हैं और आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ लाइन ऑफ कंट्रोल की पेट्रोलिंग हो रही है। गुटनू गुटनू तक बर्फ है। तापमान की बात करें तो इस वक्त भी तापमान शून्य से नीचे है, करीबन 5 से 6 डिग्री का माइनस तापमान है। देश सुरक्षित है, जब तक हम यहाँ पे हैं तो देश के अभी तक यहाँ पे हमारे होते कोई क्रॉसिंग या कोई नहीं हो सकता। हम देश रक्षा के लिए हमें छोड़े हैं, हम घर छोड़ के इस काम के लिए आए, तो उस काम को पूरा अंजाम देने के लिए हम तैयार है। पेट्रोलिंग टीम में 5 से 7 जवान होते हैं। इनके शरीर पर -20 डिग्री की सर्द का सामना करने वाले कपड़े होते हैं और हाथ में अत्याधुनिक हथियार। हर 2 घंटे में पेट्रोलिंग के लिए सेना का नया दल आता है। सुबह हो या शाम, दिन हो या रात, LOC पर समय बदलता है, कहानी नहीं। देखिए रात के समय LOC पर पेट्रोलिंग कैसे की जाती है। इस वक्त मध्य रात्रि का समय है और हम नियंत्रण रेखा पर हैं। तापमान की अगर बात करें तो करीबन -12 के करीब यहाँ तापमान जो है मेरा फोन दिखा रहा है। लेकिन इस वक्त भी भारतीय सेना के ये जवान जो है पेट्रोलिंग कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कैसे ये कैमोफ्लेज वर्दी में हथियारों से लैस ये जवान जो है इस वक्त पेट्रोल पर हैं और दिन रात पेट्रोलिंग नियंत्रण रेखा पे चलती है। जी मीडिया रिपोर्टर खालिद हुसैन LOC पर इंडियन आर्मी के इन शूर वीरों के साथ पूरे 24 घंटे रहे। इस पोस्ट पर सेना के साथ सिर्फ अत्याधुनिक हथियार ही नहीं बल्कि स्नो स्कूटर भी है। आतंकियों को आसमान से ढूंढते ड्रोन भी हैं। मानव पेट्रोलिंग के अलावा मैन और मशीन को भी इकट्ठे रखा गया है नियंत्रण रेखा पर, ताकि नियंत्रण रेखा के सही से जो है सर्वेलेंस हो, निगरानी हो, और जो नवीनतम उपकरण है वो भारतीय सेना के पास इस वक्त मौजूद है। आप देख सकते हैं जो ड्रोन्स हैं, ये क्वाडकॉप्टर्स जो हैं, ये साधारण ड्रोन्स नहीं है। दरअसल ये एम्युनिशन भी कैरी करते हैं, साथ साथ ये राशन भी कैरी कर सकते हैं, आर्म्स भी कैरी कर सकते हैं, और जो दुर्गम इलाके हैं वहाँ पर ये कहीं ना कहीं स्नो स्कूटर्स के जरिए पहुँचते हैं। और वहीं ड्रोन की अगर हम बात करें तो अगर ये संदिग्ध मूवमेंट नियंत्रण रेखा पर देखता है तो ये ग्रेनेड थ्रो करता है। साथ ही जो चौकियाँ फॉरवर्ड पोस्ट पर हैं वहाँ पर अगर एम्युनिशन ले जाना है तो इसका इस्तेमाल किया जाता है, राशन ले जाना है तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। वहीं इस किस्म की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट्स होती है उनकी निगरानी के लिए भी इन ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाता है। इस ड्रोन की खासियत यह है कि इस पर 2 राइफल भी रखी जा सकती हैं और वो दुश्मन को टारगेट कर उस पर फायर कर सकता है। कुल मिलाकर बात यह है कि जिन रास्तों से आतंकियों की घुसपैठ होती रही है उन रास्तों पर हमारे जवानों का पहरा है और इस पहरेदारी का ही परिणाम है कि बॉर्डर से लेकर दिल्ली के राजपथ तक हम भारत के लोग बेखौफ हैं। खालिद हुसैन, जी मीडिया, LOC। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.